स्कूल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी क्वेश्चन बैंक क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। तो क्लास थर्ड के बच्चों के लिए आज हम क्या क्या लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर, ये बताने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दे ताकि हमारी न्यू वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज हम क्या बताने वाले आपको। हमने पार्ट वन में आपको कुछ गद्यांश पढ़ के फिर उसका आंसर बताया था। आज आपके लिए है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं साथ में उसका आंसर भी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है और कैसे आपको लर्न करना है। अगर आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क है, शेर किसान से क्या लेने गया था। आपने जो चैप्टर पढ़ा है अभी तक क्लास थर्ड की हिंदी बुक में उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो आपने लेसन पढ़ा होगा, शेर किसान से क्या लेने गया था, क्या लेने गया था। इसका आंसर है शेर किसान से उसकी बैल लेने गया था। क्या लेने गया था? बैल, क्योंकि उसको मार के खाना था इसलिए। प्रश्न ख है, जंगल में कौन आराम कर रहा था। जंगल में कौन आराम कर रहा था? जंगल में शेर आराम कर रहा था। कौन आराम कर रहा था? एक शेर आराम कर रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा और सूरज में कौन ताकतवर है। हवा और सूरज में कौन ताकतवर निकलता है? हवा और सूरज में सूरज ताकतवर है। कौन ताकतवर है? सूरज। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी टिपटिपवा में टिपटिपवा कौन है। एक कहानी है टिपटिपवा, उसमें टिपटिपवा किसको कहा गया है? आंसर चलिए देखते हैं, कहानी टिपटिपवा में झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी टिपटिपवा है। कहानी टिपटिपवा में घर जो है ना, झोपड़ी है बुढ़िया की, वहाँ से पानी टपकता है, जो बारिश होती है उसकी पानी टपकता है। तो बुढ़िया जो है वो अपने पोते को कहानी सुनाती है टिपटिपवा की, कि क्या टपक रहा है? तो पानी टपक रहा होता है। किस चीज़ का? बारिश का। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि टिपटिपवा में टिपटिपवा कौन था। तो कहानी टिपटिपवा में झोपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी टिपटिपवा है। ओके, समझ में आया आपके? अगला क्वेश्चन है, कहानी सेखी बाज मक्खी में आपको कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। कहानी सेखी बाज मक्खी में कौन आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, इसका कारण भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन अच्छा लगा। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी। हमें कहानी में सबसे अच्छी कौन लगी? लोमड़ी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि उसने अपनी समझदारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। सेखी बाज मक्खी जो थी वो सबको परेशान कर रही थी और लोमड़ी ने क्या किया, उसको अपनी समझदारी से मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको परेशान होने से बचा लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैल की जान कैसे बची। बैल की जान कैसे बची? बित्तो और शेर वाले कहानी में आपको ये कहानी पढ़ने के लिए मिलेगा, उसको पढ़ने पे इसका आंसर भी आपको पता चलेगा। वैसे मैं आंसर बता रही हूँ, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। बैल की जान बित्तो के उपाय से बच गई। बित्तो ने एक उपाय किया जिसकी वजह से बैल की जान बच गई। बित्तो के धैर्य से, वो बहुत ही आराम से शांति से धैर्य बना के बैठी हुई थी, तो उसके धैर्य से शेर ने बित्तो को चार शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। बित्तो जो है आराम से बैठी हुई थी तो शेर को क्या लगा कि बित्तो जो है वो चार शेरों का नाश्ता करने वाली है, इसलिए वो शेर जो है वो भाग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न दो है आपका, निम्न के विलोम शब्द लिखे। कुछ शब्द लिखे हैं उनका विलोम शब्द आपको लिखने के लिए आएगा। तो आप कैसे लिखिएगा? अगर दिन, दिन का आपको क्या लिखना है? रात। ऊपर, कोई चीज ऊपर है तो विलोम यानी उल्टा होता है। कोई चीज ऊपर है तो क्या आएगा? नीचे। अपना,
अपना क्या होगा इसका? पराया। अपना पराया। हंसना, हंसना रोना। आना, आना जाना। जीना, जीना का उल्टा क्या होगा? मरना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीन है, लिंग बदले। लिंग बदले में एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है पुल्लिंग में। शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। मोर, मोर का क्या होगा? मोरनी। धोबी, धोबी का धोबिन। बैल, बैल का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे? गाय। नाना, नाना का क्या बनेगा? नानी। भाई, भाई का स्त्रीलिंग बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चार है, वचन बदले। वचन बदले में आपको कोई एक चीज, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन यानी एक चीज के बारे में बताया जाता है और बहुवचन यानी बहुत सारी चीजों के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। किताब, एक किताब है तो किताब, बहुत सारी है तो क्या लिखेंगे हम? किताबें। कहानी, एक कहानी सुना हमने तो कहानी, बहुत सारी कहानियां। लड़का, अगर एक है तो लड़का, बहुत सारे हैं तो लड़के। कपड़ा, एक कपड़ा है तो कपड़ा, बहुत सारे हैं तो क्या होगा? कपड़े। अगला क्वेश्चन है आपका, तुक वाले शब्द लिखें जिसकी एक जैसी राइम्स निकलती हो, गाने जैसी आवाज, जैसे खाना पाना नाना दाना, इस तरीके से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? तुक वाले शब्द, एक जैसे साउंड आवाज निकलने वाली। जैसे कक्कू, कक्कू का क्या लिखा हमने? कक्कू, सक्कू। ठीक है, आप भी लिख सकते हैं मक्कू लक्कू, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कटना, कटना रटना फटना। ठीक है, इस तरीके से आप तुक वाले शब्द लिखेंगे। आना, आना का हमने लिखा है पाना। लाना जाना, ये सारे तुक वाले शब्द हैं। चढ़ना, चढ़ना का क्या होगा? पढ़ना। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन बैंक को नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए। और अगर आप ये क्वेश्चन बैंक वर्कशीट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईडू फीवर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं।